हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक्स ऑल अबाउट एग्जाम्स। यहाँ मिलती है आपको सरकारी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी और उनके स्टडी मटेरियल्स। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कल एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन मल्टीटास्किंग स्टाफ का टेंटेटिव आंसर की रिलीज किया है। तो अभी हम मौजूद है एग्जाम स्टॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, MTS वाले पोस्ट पर, आंसर की के पोस्ट पर। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में हुआ था और आंसर की रिलीज हो चुका है। आप लोग इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आंसर की डाउनलोड करने का जो समय दिया गया है 6 सितंबर, यानी कल आपका आंसर की रिलीज हुआ, और 11 सितंबर शाम 6 बजे तक आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक आंसर की डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाके आप अपना आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और अपना मार्क्स चेक कर लीजिए। और आपको अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है और उसको चैलेंज करना है तो आपको 100 रुपीज़ पर चैलेंज के लिए पे करना पड़ेगा SSC को। और उसके बाद SSC MTS का जो Tier 2 एग्ज़ाम है वो आपका 17 नवंबर 2019 को होने वाला है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है कि आप अपने आंसर की का PDF examstocks@gmail.com पर हमें भेजें, ताकि हम उन सारे PDFs का, सारे शिफ्ट के MTS के क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन एग्जाम स्टॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करा सके, ताकि ये आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स में सारे एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका नाम और डिटेल सारा हिडन कर दिया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा, और प्राइवेसी आपका मेंटेन किया जाएगा। आप यहाँ पे जाके MTS के और भी एग्ज़ाम डेट्स के बारे में जान सकते हैं, कब नोटिफिकेशन आया था, कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहा, और बाकी के आने वाले टाइम में क्या होगा वो इस पोस्ट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। आप इन लिंक्स के थ्रू हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं जितने भी, उन ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि आंसर की कैसे डाउनलोड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है मोबाइल से आंसर की डाउनलोड करने में। आप यहाँ ये ऑफिशियल राइटअप यानी नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। उसके नीचे आपको आंसर की का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा टैब आएगा खुल के, और यहाँ पर आपको user ID, वो वाला user ID डालना है जो आपका MTS का एडमिट कार्ड में है। तो आपके MTS के एडमिट कार्ड में वो user ID दिया गया होगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ एक यूज़र का ID पासवर्ड डाल के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक यूज़र का ID पासवर्ड डाल दिया है। चलिए अब हम लॉगिन पर क्लिक करके देखते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा सेव पासवर्ड करने वाला, इसको आपको काट देना। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शन देख के ही वापस लौट जा रहे हैं और आंसर की अपना नहीं चेक करवा रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, और जो भी इसमें लिखा गया है महत्वपूर्ण निर्देश, कि अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़े। अपने प्रश्न और उत्तर कुंजी को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की टैब पर जाएँ और क्लिक हेयर टू जनरेट इट पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी आपत्तियों को बताने से पहले प्रश्नों और उत्तरों को ध्यान से पढ़ ले। प्रश्न पत्र व्यू में विकल्प के आगे हरे रंग का सही का निशान लगाकर सही उत्तर चिन्हित किया जाता है, तो जो आपका सही आंसर उसके आगे ग्रीन टिक लगा रहेगा। प्रश्न ID जिसे सभी संदर्भों के लिए उपयोग किया जाता है का उल्लेख प्रश्न के दाईं ओर किया गया है। प्रश्न की स्थिति चाहे आपने इसका उत्तर दिया हो या नहीं, प्रश्न के दाईं ओर उल्लिखित होती है। परीक्षा के दौरान आपके द्वारा चुना गया विकल्प प्रश्न के दाईं ओर चूजन ऑप्शन के रूप में दिखाया गया, तो जो आपने आंसर दिया वो चूजन ऑप्शन के रूप में आपको दिया है, आपको उससे ग्रीन टिक से मैच करना है कि आपका आंसर कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अपनी आपत्तियों को दर्ज करने के लिए क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करें। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोगों को क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करना है। आपत्ति केवल अंग्रेजी भाषा में दर्ज की जानी चाहिए, तो आप लोगों को बता दें कि ऑब्जेक्शन जो भी है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप लोगों को ऑब्जेक्शन यानी चैलेंज करना पड़ेगा। केवल प्रश्नों और उनसे संबंधित विकल्पों के लिए ही आपत्तियों को दर्ज किया जा सकता है। आवेदित की गई आपत्तियों को बाद में बदला नहीं जा सकता है। कारण कॉलम में अपनी आपत्ति के कारण को स्पष्टता से लिखें। ध्यान दें, उत्तर अनंतिम उत्तर कुंजी पर आधारित है। आपत्ति प्रबंधन के बाद अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर बदल सकता है। मूल्यांकन अंतिम उत्तर कुंजी पर किया जाएगा, यानी ये जो है आपका टेंटेटिव आंसर की है। इसके बाद एक फाइनल आंसर की रिलीज होगा। ऑब्जेक्शन अगर आपको करना अभी कर सकते हैं, फाइनल आंसर की के बाद आपको नहीं मौका दिया जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद इसको क्लोज बटन पर क्लिक करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्शन व्यू के बगल में क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की का टैब है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और उस क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको क्लिक हेयर का बटन दिखेगा, तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर,
तो वहाँ क्लिक करने के बाद आपका आंसर की आपके सामने आ जाएगा। तो ये आंसर की हमारे सामने आ चुका है, तो आप इसके बाद इस पे प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसका पीडीएफ सेव कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद आपके सामने ऐसा आएगा, जैसा भी आपका मोबाइल का फॉर्मेट है आप पीसी से, तो वहाँ पे सेव एज पीडीएफ का आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ आपको अपना सेव कर लेना है। तो चलिए मैंने पीडीएफ सेव कर लिया है, ये प्रिपेयर हो रहा है, और इसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो और इस तरह से आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपना आंसर की डाउनलोड कर लिया है तो आप हमें हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी examstocks@gmail.com पर इसे भेज सकते हैं, ताकि हम एसएससी एमटीएस के सारे क्वेश्चन पेपर का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सके। आपको ईमेल आईडी यहाँ दिख रहा है, इस पर आपको भेज देना, और इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आंसर की चेक कर सकते हैं। और बाकी सारी अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज आपको हमेशा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।